नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, पुनः एक बार आप सभी लोगों का ऑनलाइन कक्षा में मैं डॉक्टर सूरज लोकापुर, प्रवक्ता हिंदी विभाग गोगटे उपाधि पूर्व महाविद्यालय बेलगावी की ओर से स्वागत करता हूँ। तो छात्रों, जैसे कि अब हम व्याकरण भाग पर चर्चाएं कर रहे हैं, एक एक करके प्रत्येक अनविति का प्रत्येक यूनिट पे हम लोगों ने सविस्तार रूप से जानकारी ली है, तो आज की कक्षा में हम निबंध लेखन, जो परीक्षा के दृष्टि से पत्र या निबंध दो में से एक का चुनाव करके लिखना होता है, पत्र कैसा हो, पत्र के स्वरूप कैसे होते हैं, इस पर हमने चर्चा कर ली है। आज की कक्षा में हम निबंध का स्वरूप, निबंध कैसे होना चाहिए, निबंध लिखते वक्त किन सारी बातों का ध्यान रखना है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो निबंध लेखन ये एक कला है, हर कोई आसानी से निबंध की रचना नहीं कर सकता। जैसे कि निबंध लेखन कला की परिभाषाओं से ये तत्व सामने आता है। जैसे निबंध अपने मानसिक भावों या विचारों को संक्षिप्त रूप से तथा नियंत्रित ढंग से लिखना निबंध कहलाता है। अर्थात निबंध कोई तात्विक स्थिति नहीं है, ये भावनात्मक लेखन होता है। यहाँ पर जैसे वो कहते हैं, मानसिक भावों और विचारों को, हमारे भाव और विचार अत्यंत विस्तृत होते हैं, उनका स्वरूप विस्तार प्राप्त कर चुका होता है, उनको कम शब्दों में सुंदर तरीके से पढ़ने वालों के मन मस्तिष्क तक पहुंचने के काबिल स्वरूप में हमें प्रस्तुत करना होता है। निबंध लिखना भी एक कला है, इसे विषय के अनुसार छोटा या बड़ा करके लिखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में वो कहते हैं, निबंध का अर्थ होता है बंधा हुआ, अर्थात एक सूत्र में बंधी हुई रचना, जहाँ पे कहीं भी कोई कमी नहीं होती, कोई टूटन नहीं होता, कोई विघटन नहीं होता, पूरा जो रचना कार्य है वो एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, इस प्रकार कड़ियों में बंधा हुआ होता है। निबंध किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। साधारण स्वरूप से निबंध के विषय परिचित विषय होते हैं, यानी जिनके बारे में हम सुनते हैं, जानते हैं, परखते हैं, देखते हैं, पढ़ते एवं लिखते हैं, जिनके साथ अपना सरोकार दैनंदिन होता है। निबंधों को जैसे हम धार्मिक त्यौहार से संबंधित, राष्ट्रीय त्यौहार से संबंधित, राष्ट्रीयता से संबंधित, विभिन्न प्रकार की समस्याओं से संबंधित तथा वातावरण, देशकाल एवं पर्यावरण से संबंधित आदि प्रकार के निबंध हम लिख सकते हैं। अब चलिए, निबंध में निबंधकार स्वयं को अभिव्यक्त करता है, तो निबंध की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, जिस हम कहते हैं एसेज शुड बी एक्सप्रेसिव, या फिर एक्सप्रेसिव राइटिंग को हम एसे टाइप राइटिंग भी कहते हैं। उस आधार पर अगर हम देखें तो जो निबंधकार है या जो रचनाकार है, वो अपने मन के भावों को और विचारों को अभिव्यक्त करता है, जो पाठक से आत्मीयता स्थापित करे, पढ़ने वाले के मन को, पढ़ने वाले के विचारों को छू जाए या फिर प्रभावित करे, उसी को हम निबंध लेखन कहते हैं। तो इतना जब जानने के बाद अगर हम सोचे कोई विषय लेके अगर हम निबंध लिखना शुरू करें तो कैसे होगा? शुरू करेंगे, ख़त्म करेंगे, 10-15 पेज लिखेंगे, ऐसा नहीं होता। निबंध लेखन के भी कुछ कायदे हैं, जैसे निबंध के अंग हैं। निबंध जो संपूर्ण निबंध होता है वो तीन भागों में बटा हुआ होता है, और तीनों भागों में परस्पर संबंध होना अनिवार्य है। जैसे यहाँ पे वो पहले लिखते हैं, पहला अंग होता है भूमिका। भूमिका में क्या क्या आएगा? भूमिका निबंध के आरंभ में
एक अनुच्छेद रूप में आता है। इसमें विषय का परिचय दिया जाता है, यह प्रभावशाली होना आवश्यक है जो कि पाठक को निबंध पढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। जो भूमिका है, भूमिका पढ़ते ही पाठक आगे फिर पढ़ने के लिए आसक्त हो या फिर मजबूर हो, उस प्रकार से प्रेरणादायी होना चाहिए भूमिका, या फिर इसे हम मराठी में प्रस्तावना भी कहते हैं, कन्नड़ में भी हम इसको प्रस्तावना कहते हैं। तो निबंध लेखन का दूसरा अंग है विषय प्रवेश या फिर विषय प्रस्तुति। यहाँ पर विषय को विस्तार रूप में प्रस्तुत करना होता है। इसमें 3 से 4 अनुच्छेदों में विषय के विभिन्न पहलुओं पर, विषय के विभिन्न संदर्भों पर अपने विचार प्रकट किए जाते हैं। प्रत्येक अनुच्छेद में, अनुच्छेद अर्थात पैराग्राफ, प्रत्येक अनुच्छेद में एक एक पहलू पर विशेष रूप से विचार लिखा जाता है, तो ये विषय का विस्तार होता है। तीसरा है उपसंहार। उपसंहार अर्थात निष्कर्ष, कंक्लूजन। यह निबंध के अंत में लिखा जाता है या जाना अनिवार्य है। इस अंग में निबंध में लिखी गई बातों को सारांश रूप में एक अनुच्छेद में लिखा जाता है। इसमें संदेश भी लिखे जा सकते हैं। संदेशों में आप अपने अनुभव लिख सकते हैं, एक्सपीरियंसेस लिख सकते हैं, आप अपने सजेशंस लिख सकते हैं, अनुदेश लिख सकते हैं, तथा आप किसी विचार के संभवनीयता को भी, फ्यूचरिस्टिक होप जिसे हम कहते हैं, भविष्यकालीन संभावनाएं, तो उनको भी आप सारांश या फिर उपसंहार के अंतर्गत लिख सकते हैं। तो निबंध में भूमिका, विषय प्रवेश या फिर विषय विस्तार और उपसंहार, ये 3 भाग होने नितांत आवश्यक हैं, तभी पूर्ण निबंध माना जाएगा, आपकी अंक प्राप्ति निश्चित होगी। अब निबंध के प्रकार कितने हैं ये जान लेना भी आवश्यक है। तो मुख्यतः निबंध लिखने के 4 प्रकार होते हैं या फिर 4 प्रकार से निबंध लिखा जाता है। पहला आता है विवरणात्मक निबंध। विवरणात्मक निबंध के अंतर्गत यात्रा साहित्य आता है, किसी घटना को लेकर लिखा जाने वाला निबंध आता है, मैच अर्थात खेल कूद उस पर निबंध आते हैं, मेले या फिर त्यौहार उन पे आते हैं, ऋतु एवं वातावरण उन पे आते हैं, संस्मरण मतलब किसी की स्मृति में लिखा जाना या किसी की याद में लिखा जाना, इस प्रकार के निबंध विवरणात्मक निबंध में आते हैं। ये इनका जो विस्तार है या इनका जो दायरा है वो ज़्यादा होता है। उसके बाद आता है दूसरा प्रकार, वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध किसी स्थान विशेष, किसी दृश्य विशेष, किसी परिस्थिति, व्यक्ति के दैनंदिन जीवन की स्थितिगतियाँ, वस्तुओं के आधार पर आदि को आधार बनाकर लिखे जाते हैं। और तीसरा प्रकार है विचारात्मक निबंध। विचारात्मक निबंध के अंतर्गत किसी समस्या, किसी स्थिति, किसी विचार या घटना जो समाज से जुड़े हैं, राजनीति से जुड़े हैं, धर्म से जुड़े हैं, संस्कृति से जुड़े हैं, मतलब विचारात्मक निबंध में व्यक्ति विशेष या किसी वस्तु विशेष का कोई प्रतिभाग नहीं होता, ये समय एवं संदर्भ के अनुकूल लिखे जाने वाले निबंध होते हैं, जिसमें लिखने वाले को या फिर लेखक को पक्षपात रहित होकर संपूर्ण प्रकार से विचार विमर्श करना होता है। चौथा है प्रकार निबंध का, भावात्मक निबंध। भावात्मक निबंध में मन के भावों को, जैसे क्रोध है, वीरता है, स्नेह है, प्रेम है, कोमलता है, वात्सल्य है, इन प्रकार की भावनाओं को लेकर लिखे जाने वाले निबंधों को भावात्मक निबंध कहा जाता है। तो निबंध की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? निबंध की 4 प्रमुख विशेषताएं भी देखी जाती हैं। निबंध व्यक्तित्व का प्रकाशन करते हैं,
निबंध संक्षिप्त होते हुए भी पूर्ण प्रमाण में या फिर पूर्णता से विचार पर विमर्श करते हैं। निबंध में एक सूत्रता होती है या फिर सूत्रबद्धता होती है और निबंध में अन्विति का प्रभाव रहता है, मतलब किसी एक ठोस विचार को लेकर संपूर्ण वहाँ पर परिचर्चा की जाती है। जैसे व्यक्तित्व का प्रकाशन कैसे होता है, निबंध रचना का प्रथम लक्ष्य है व्यक्तित्व का प्रकाशन करना। निबंध में निबंधकार अपने सहज और स्वाभाविक स्वरूप का पाठक के सामने प्रकट करता है। वह पाठकों से मित्र की तरह खुलकर सहज वार्तालाप करता है। यही कारण है कि मैदान की स्वच्छ हवा में कुछ देर टहलने से चित्त को जिस प्रसन्नता का अनुभव होता है, उत्साह का अनुभव होता है, वैसे ही निबंध पढ़ने पर मन को वैसा ही आह्लाद मिलता है, वैसा ही अनुभव होता है। अब दूसरा वो कहते हैं संक्षिप्तता। निबंध में संक्षिप्तता एक अनिवार्य लक्षण है। जैसे निबंध की दूसरी विशेषता संक्षिप्तता, निबंध जितना छोटा होता है, जितना अधिक गढ़ा हुआ होता है, उसमें उतनी ही सघन अनुभूतियाँ होती हैं और अनुभूतियों में गठाव एवं कसाव के कारण तीव्रता रहती है। फलतः निबंध का प्रभाव पाठक पर सर्वाधिक पड़ता है। निबंध की सफलता श्रेष्ठता उसकी संक्षिप्तता पर निर्भर करती है। शब्दों का व्यर्थ प्रयोग निबंध में निकृष्ट माना जाता है। तीसरा है एक सूत्रता। श्रेष्ठ और सरल निबंध की तीसरी विशेषता है एक सूत्रता। कुछ लोगों के विचारानुसार निबंध में क्रम अथवा व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। निबंध में निबंधकार स्वयं को अभिव्यक्त करता है, इसलिए वहाँ पर क्रमबद्धता का होना अत्यंत आवश्यक है। अगर क्रम टूटा तो पाठक में नीरसता उत्पन्न हो जाएगी, वो निबंध पूर्ण रूप से अनुभव करते हुए नहीं पढ़ सकता। इसलिए एक सूत्रता या फिर सूत्रबद्धता होना अनिवार्य है। अन्विति का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टोटैलिटी, इसके लिए एक शब्द यहाँ पर मिलता है। जिस प्रकार एक चित्र की अनेक असंबद्ध रेखाएं आपस में मिलकर एक संपूर्ण चित्र बना पाती हैं, अथवा एक माला के अनेक पुष्प एक सूत्रता में ग्रंथित होकर एक माला का सौंदर्य ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार निबंध के प्रत्येक विचार एवं चिंतन, प्रत्येक भाव और प्रत्येक आवेग आपस में अन्वित होकर, टोटल होकर, फिर मिलकर संपूर्णता के प्रभाव की सृष्टि करते हैं। इसीलिए किसी भी विचार या किसी भी विषय पर लिए गए प्रत्येक शब्द का निबंध में महत्व बनता है। तो निबंध लिखते समय निम्नांकित बातों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। ये 10 से 12 जो बिंदुएं हैं, जो पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रखकर अगर आप निबंध लिखते हो तो परीक्षा की दृष्टि से आपके अंक नहीं कटेंगे। तो एक एक कर पे उन पर हम चर्चा करते हैं। अब पहला पॉइंट है, निबंध लिखने से पूर्व संबंधित विषय का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। लिखने वाले को निबंध के लिए जो विषय चुन रहा है उसका पूर्व ज्ञान, मतलब उसका पूरा ज्ञान पहले से लेकर अब तक क्या क्या है, उस विषय में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो चुका है, उसका परिपूर्ण ज्ञान होना जरूरी है। दूसरा, क्रमबद्ध रूप से विचारों को लिखा जाए। तो जिन विचारों की आप प्रस्तुति करने वाले हो उनमें क्रमबद्धता होनी चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। निबंध की भाषा रोचक एवं सरल होनी चाहिए। कठिन शब्दों से पूर्ण निबंध पाठक को दूर भगा देगा, इसीलिए सरल शब्दों का प्रयोग और शब्द रोचक हों, दिलचस्प हों, उसका ध्यान रखना जरूरी है। चौथा है, निबंध के वाक्य छोटे छोटे और प्रभावशाली होने चाहिए। बहुत लंबे लंबे वाक्य नहीं लिखने चाहिए, 3-3, 4-4
वाक्यों को मिला के एक बड़ा वाक्य नहीं बनाना चाहिए। हाँ, प्रभाव उत्पन्न होता है उससे, लेकिन पढ़ने में वो अड़चने पैदा कर सकती है। पांचवा है, निबंध संक्षिप्त होना चाहिए, अनावश्यक बातें, उदाहरण या चर्चा निबंध में वर्ज्य हैं, नहीं लिखनी चाहिए। छठा है, व्याकरण के नियमों को और विराम चिन्हों को उचित प्रयोग के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। जहाँ पे कॉमा आना है, जहाँ पे पूर्ण विराम आना है, जहाँ पे उद्गार वाचक आना है, कहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड, कहाँ पे डबल इन्वर्टेड, कहाँ पे रेफरेंस, ये सारी बातों का भी व्याकरणिक स्वरूप में ध्यान रखना आवश्यक है। विषय के अनुसार निबंध में मुहावरों एवं लोकोक्तियों का भी प्रयोग यहाँ वहाँ किया जा सकता है। आठवां पॉइंट है, निबंध के विषय पर अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करके उसके बारे में भी चर्चा होनी जरूरी है। नौवां बिंदु है, आरंभ, मध्य अथवा अंत में किसी भी उक्ति अथवा विषय से संबंधित कविता की पंक्तियों का उल्लेख करना निबंध की श्रेष्ठता को और ज्यादा बढ़ाता है। निबंध की शब्द सीमा का ध्यान रखना और व्यर्थ की बातें न लिखना निबंधकार का उत्तरदायित्व है। विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर अपने विचार प्रकट करना दूसरा अनिवार्य उपादेय है। बारहवां पॉइंट है, सभी अनुच्छेद एक दूसरे से जुड़े हों, सभी पैराग्राफ के बीच लिंक होना अनिवार्य है ताकि पठन के संदर्भ में पढ़ते वक्त कनेक्शन बना रहे। अंतिम है, वर्तनी व भाषा की शुद्धता, लेखक की स्वच्छता, लेखन की स्वच्छता, विराम चिन्हों पर ध्यान देना भी जरूरी है। हैंड राइटिंग शुड बी क्वाइट इम्प्रेसिव, क्लियर एंड विजिबल टू रीड, पढ़ने के लिए आसान हो, शुद्ध हो आपकी लेखनी, इस पर ध्यान देना जरूरी है। तो इस प्रकार छात्रों, निबंध लेखन के अंग, निबंध के प्रकार, विषय का परिपूर्ण ज्ञान और लिखने की शुद्धता, ये पांच बिंदुएं ऐसी हैं जिस पर आप सटीक एवं सुस्पष्ट निबंध रचना कर सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से अंक भी आपको भरपूर मात्रा में मिल सकते हैं। जब भी आप निबंध लिखोगे इन बिंदुओं को ध्यान में रख के, तो पूर्ण अंक प्राप्त कर सकते हो, पाँच के लिए पाँच मिल सकते हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही है, अगली कक्षा में हम और एक नए यूनिट के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।